YouTube इस वक्त अपनी पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे करके अपने AI टूल के लिए परमिशन ली जाए म्यूजिक कंपनीज से, जिससे वो फेमस आर्टिस्ट के वॉइस की रेप्लिका बना सके। ये चर्चा अभी ऑनगोइंग है, लेकिन इसमें कोई सफलता मिलती दिख नहीं रही है। करंटली किसी भी बड़े म्यूजिक लेबल ने कोई डील नहीं की, क्योंकि उन्हें कॉपीराइट से रिलेटेड इश्यूज हैं जो AI जनरेटेड म्यूजिक की वजह से आगे चल के होंगे। कई म्यूजिशियंस जैसे स्टिंग, जॉन लेजेंड और सेलेना गोमेज इसके खिलाफ हैं और चाहते हैं कि उनके कंसेंट के बिना कोई भी उनकी वॉइस को रेप्लिकेट ना कर सके। इसके लिए वो AI जनरेटेड वॉइस और म्यूजिक पर रेगुलेशंस की मांग कर रहे हैं। वहीं मेटा, गूगल और स्टेबिलिटी AI ने अपने अपने टूल्स रिलीज कर दिए हैं, जिससे वो AI जनरेटेड म्यूजिक बना सके, मतलब AI जो म्यूजिक है वो बना सके। अल्फाबेट, यूट्यूब और गूगल की पेरेंट कंपनी है, जो इस डील को किसी भी तरह क्रैक करने में लगे हुए हैं और प्रमोट कर रहे हैं AI जनरेटेड म्यूजिक और वॉइस रेप्लिकास को, ताकि जो यूट्यूब के यूजर्स हैं वो उसका इस्तेमाल कर सके। और वो साथ में कह रहे हैं कि इससे हम पार्टनरशिप भी कर रहे हैं, मतलब इससे दोनों को हेल्प होगी, यूट्यूब, गूगल और इन सब को भी, और साथ ही में आर्टिस्ट को भी। तो AI वॉइस रेप्लिका इस हद तक और लोग उसे कैसे यूज करते हैं, उसका एग्जांपल ये मीम है, देखिए जरा। अच्छा मुझे ये बताओ, हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। मोदी 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 क्या करता है, कोई काम क्या करता है आपको पता है? गाना गाता है।